आज इस शिमले के बारे में बताऊंगा आपको। इसको जब पकने के बाद खाया भी जाता है और जब ये कच्चे है इसका बहुत अच्छा टेस्टी अचार भी बनता है। इसका हम बनाते हैं घरों में, इसका अचार बहुत टेस्टी होता है। इसका अचार आप भी बनाइए इसका अचार और पकने के बाद खाइए। इसका टेस्ट शरीर के लिए भी बहुत अच्छा है, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है। आइए देखते हैं वीडियो। मेरी वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें, धन्यवाद। आइए वीडियो देखते हैं। भाई इसका अचार भी बहुत अच्छा टेस्टी बनता है और ये ब्लड प्रेशर मरीजों के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है। और इसकी सब्ज़ी भी बनाई जाती है, सब्ज़ी भी बहुत टेस्टी होती है इसकी सब्ज़ी। ये देखो भाई साहब, बहुत सारे तिमले के पेड़, ये देखो नीचे तक तिमले तिमले के पेड़ ही पेड़ है। और भाई जी जब ये पकेंगे ना जरूर खाए आएंगे फिर खाना खाए इसको खाने। इसके बाद बहुत टेस्टी होते हैं भाई ये पकने के बाद ना। लो भाई जी एक आप भी खा लो, लो एक आप खा लो, बाकी मैं खा लेता हूँ, आप कम खाते हैं इसको। मेरे को बहुत टेस्टी लगता है, ये बचपन से खाते थे, बचपन से खाते रहे हम इसको। जब पकेंगे तो बहुत ज़्यादा टेस्टी होगा, आप भी खाना है इसको जब भी आओ पहाड़ों में। भाजी आप खाओगे तिमला? भाजी ये तिमला बहुत अच्छा टेस्ट है इसका। अब ये पकेंगे इसके बाद बहुत ज़्यादा टेस्टी होते हैं, पहाड़ में ही पाए जाते हैं, प्लेन्स में नहीं होते ये तिमले। देखो कितने सारे लगे हुए इसका तिमले, बहुत सारे लगे हुए हैं। आप जब भी पहाड़ आओ ये जरूर खाना, आप बहुत टेस्टी होते हैं, शरीर के लिए बहुत फायदेमंद है ये। इसका टेस्ट ही बहुत अच्छा है।